गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग 6:30 का समय हो चुका है और आज मैं जा रही हूँ स्पेशली श्री माँ नैना देवी माता जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और हम तल्लीताल बस स्टॉप से तो मल्लीताल की तरफ रिक्शे में कम 10 मिनट में तो हम आराम से पहुँच ही जाएंगे। और ये है श्री श्री नैना देवी मंदिर और यहाँ पर नैना प्रसाद भंडार भी है। और जब हम गेट से अंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो सबसे पहले हम राइट साइड में बजरंगबली जी महाराज के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में माँ नैना देवी माता जी की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। और अब हम एंट्री करेंगे माँ नैना देवी माता जी के मंदिर के अंदर। दोस्तों, मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति विराजमान नहीं है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा छुपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब माँ पार्वती जी सती हुई थी तब शिव जी उनकी बॉडी को लेके इधर से उधर घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने एक चक्र छोड़ा था और जब उनके बॉडी के कई भाग हुए थे तो उन्हीं में से इनके माता जी के दो नैन यहाँ पर आके गिरे थे। और माता के इन्हीं नैनों को हम पूजते हैं और इन्हीं नैनों का मंदिर यहाँ पर है, इसलिए कहा जाता है माँ नैना देवी। और ये है यहाँ पर भोलेनाथ जी भी साथ में हमेशा विराजमान रहते हैं नैनीताल। तो यहाँ पर माँ नैना देवी का अर्थ है माँ के नैन यहाँ पर है, इन्हीं मंदिरों को हम पूजते हैं और ऐसा माना जाता है नैना देवी मंदिर को नैनीताल की कुल देवी भी माना जाता है। और ये तालाब भी इन्हीं माता के नैनों के कारण यहाँ पर बसा हुआ है। और सितंबर महीने में बहुत धूमधाम से माँ नैना देवी का मेला लगता है और यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और कई दूर दूर से लोग माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर के चारों तरफ कई बहुत सारे आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, जैसे भोलेनाथ जी, बाबा भैरवनाथ जी और बहुत सारे मंदिर हैं। और ये देखिए ताल, बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता की तो बात ही कुछ और है, तो बहुत ही सुंदर जगह है। और जब हम यहाँ पर पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद हम चारों तरफ बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर बैठने के लिए भी चेयर बनाए हुए हैं, आराम से हम यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं। और जब अंत में पूजा करने के बाद हम तालाब की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे बहुत सारे रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिल जाएगी। और ये है तालाब, तो अभी तो बरसात का मौसम है और यहाँ पर इसकी प्राकृतिक सुंदरता की बात ही कुछ और है।